ओके, क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेस्ट पेपर फॉर फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स जिनका मंडे को मैथ्स का पेपर है. सो स्टार्ट करते हैं. आपकी क्लास 10 की किताब है ये. ओके, चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें आपके पास सीधा आप स्ट्रेट अवे आ जाएंगे 1.1 पे. 1.1, ओके. सो 1.1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, lx square plus mx plus 10, जिसको completing square से solve करना है. Then आपके पास question number 3 का part 7, और ये smart syllabus के according है, okay? उसके बाद है आपके पास question number 3 का part 2, ax square plus 4x minus a. Then आपके पास आप आ जाते हैं 1.2 पे. 1.2 में जो है question number आपके पास 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है, ये इंपॉर्टेंट है. देन आप इसके बाद मूव करेंगे 1.3 पे. 1.3 में आपके पास क्वेश्चन जो है वो है 10 एक्स फोर माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 1. देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 14. देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 13. उसके बाद 1.4 में अगर हम आए तो 1.4 का क्वेश्चन आपके पास 10 और 9 अगर शामिल है तो. आई थिंक 9 शामिल नहीं है, लेकिन अगर आपको शामिल है तो आपने करना है. और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इसका इंपॉर्टेंट है वो है 1.1 का. 1.1 पे आप सीधा आएंगे. सो मैं रैंडम मार्क करवा रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5. सो ये चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट गेस है जो कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. एक दफा आपने कंप्लीट तैयारी करनी है, उसके बाद ये जो मैं बता रहा हूं इसको रिव्यू करना है. आप मूव करेंगे चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि प्रॉब्ली थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जिसमें आपके पास स्टार्ट करते हैं 2.1 से. में क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट 5 है. शो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. देन आपके पास क्वेश्चन 6 है, ये भी इंपॉर्टेंट है. देन आपके पास इज अ परफेक्ट स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3 शामिल है इंपॉर्टेंट में. उसके बाद आप 1.2 पे मूव ऑन करेंगे, 2.2 पे, सॉरी 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आपके पास इसमें एक क्वेश्चन मिसिंग है किताब में, प्रॉब्ली जो इस तरह के एग्जांपल से डील होता है. एग्जांपल नंबर 2 की तरह का है, लेकिन उसमें यहाँ पे प्लस आता है, राइट? तो वो क्वेश्चन आपने करना है. देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और पार्ट 8, राइट? 2.3 पे आप आते हैं. 2.3 में आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, दिस वन इक्वल रूट्स वाला. उसके बाद आप आते हैं 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा फाइन पी और पार्ट 2. उसके बाद आप आते हैं 2.4 पे. 2.4 में आपने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 दिस वन, एंड आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, पार्ट 2, राइट? उसके बाद 2.5 पे आते हैं. 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी एंड ए, पार्ट ए दिस वन एंड सी दिस वन. उसके बाद 2.6 पे आते हैं सिंथेटिक डिवीजन पे. उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1,
क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है आपके, उसके बाद 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, उसके बाद 2.8 पे मूव ऑन करते हैं, 7 आप लीव कर सकते हैं। 2.8 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्वेश्चन नंबर 6 द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ टू डिजिट्स, ये वाला। सो ये चैप्टर 2 था। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 3 वेरिएशंस। सो वेरिएशन में 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 4, 11 एंड पार्ट 4 दिस वन, और इसके बाद जाते हैं आप 3.3 पे, 3.3 पे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 दिस वन, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, 3 का पार्ट 3 दिस वन, उसके बाद आपके पास 3.4 आ जाती है, 3.4 कंपोनेंट एंड डिविडेंडो थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 2 दिस वन, और इसका पार्ट 5, देन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 दिस वन एंड दिस वन, इसके बाद आ जाती है 3.7, 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2 द एरिया सरफेस एरिया एस ऑफ अ स्फीयर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 3.7 का, उसके बाद 3.6 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड 2, पार्ट 1 एंड 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड 2, राइट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 एंड 2। अगर आप 1 ना भी करें, 1 के सिर्फ जस्ट डिफिकल्ट पार्ट्स करें, जैसे ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड 2 कर लें। तो इसके बाद 3.5 हमने लीव की थी, 3.5 में क्वेश्चन नंबर 3 If y varies directly as u x cube, this one. उसके बाद 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, जैसे मैंने पहले बताया था, ये मुश्किल पार्ट्स आपने जरा कर लेने प्रैक्टिस 6, 7, और 3.4 का 9th पार्ट जो कि लास्ट टेस्ट का, 3.4 का 9th पार्ट दिस वन। सो ये थर्ड चैप्टर था। इसके बाद डायरेक्टली हम मूव करते हैं 7 पे, सो 7 चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपके पास 7.4 पे पहले हम जाते हैं, 7.4 में क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 दिस वन, इसके बाद 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, 7.2 ये रही, इसका क्वेश्चन 10, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री दिस वन, उसके बाद 7.4 अगेन, 7.4 का क्वेश्चन नंबर 9 दिस वन, इसके बाद 7.4 का क्वेश्चन नंबर 18 ये,
इसके बाद 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11 दिस वन। इसके बाद मूव करते हैं 7.3 पे, 7.3 में क्वेश्चन नंबर 10 इफ कॉस कोसेकेंट थीटा इज 13/12 एंड सेकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 दिस वन। 7.3 का 10 भी हो गया, देन 7.4 अगेन, 7.4 का क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद है आपके पास 7.2, का क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें रेवोल्यूशन आपने यूज करनी होती है। उसके बाद 7.4 का 20th वन, 7.4 का 20th क्वेश्चन दिस वन, ये वाला। इसके बाद 7.1, सो 7.1 में आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 2 का सेकंड पार्ट और 3 का सेकंड पार्ट, 3 का सेकंड पार्ट। देन आपके पास सेवन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 13, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला, द एरिया ऑफ सेंट्रल एंगल, जिसमें थीटा निकालना है आपने, ये वाला। इसके बाद आपके पास जस्ट 7.5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं 7.5 पे। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 9, अ टेलीविजन एंटीना दिस वन, 7 अ सपोर्टिंग वायर, देन 10 फ्रॉम अ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, देन आपके पास 12, सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज दिस वन, राइट। तो ये 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके बाद हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं वो 4th के रहते हैं एंड 5th एंड 6th के रहते हैं। तो सीधा हम स्ट्रेट अवे मूव करते हैं चैप्टर 5 पे। यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड चैप्टर है एंड इट्स वेरी इजी। सो चैप्टर 5, आपने सबसे पहले 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट तैयार करना है, जिसमें R1, R2 एंड डोमेन रेंज निकालना है, कंप्लीट तैयार होना चाहिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 5.1 का। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 5.1 का तैयार होना चाहिए, अच्छा। उसके बाद आप मूव करेंगे 5.4 पे, में आपके पास क्वेश्चन आपको थर्ड तैयार होना चाहिए, थर्ड, जिसमें थर्ड का आपके पास सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। 5.4 में बस इतना ही है इंपॉर्टेंट। 5.3 का क्वेश्चन 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 एंड 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और 5.2 पे आते हैं, 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 4 पार्ट 1, राइट। सो दैट्स इट, ये 5.5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब 6 पे आते हैं आपके पास, चैप्टर 6,
सिक्स आपके पास बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, इसमें 6.2 से मैं बताऊंगा। दिस इज 6.2। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपने मीडियन एंड मॉड निकालना है। उसके बाद आपके पास 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपके पास 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो 6, 7, 9 जो है वो 6.2 में से इंपॉर्टेंट है, 6, 7, 9। और 6.3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, 5 का पार्ट बी। और क्वेश्चन नंबर 4, सैलरी ऑफ 5 टीचर्स। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 6 के। और अब हमारे पास जस्ट बचा है चैप्टर 4, तो स्ट्रेट अवे मूव करते हैं चैप्टर 4 पे, पार्शियल फ्रैक्शंस। 4.1 का आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 4 और 8। 4.1 का 4 एंड 8। 4.2 का सॉरी 4.2 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, 2 एंड 4 इफ स्मार्ट सिलेबस अकॉर्डिंग। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8, 6 एंड 8 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सो ये थे आपके पास तमाम चैप्टर्स के गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम मूव करते हैं थ्योरम्स की तरफ। तो थ्योरम आपके पास चैप्टर 8 का फर्स्ट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और चैप्टर 8 का ही सेकंड थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल पे डील होता है, 90 से कम और 90 से ज्यादा पे। तो चैप्टर 8 के आपने दोनों थ्योरम प्रिपेयर करने हैं अच्छे से, इसमें कोई चॉइस नहीं है, दो है स्मार्ट सिलेबस में शामिल और दोनों अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। यूनिट 9 में कॉर्स ऑफ अ सर्कल है, इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट हैं वो इतने कोई खास नहीं है थ्योरम्स। चैप्टर 10 टेंजेंट्स टू अ सर्कल, इसमें थ्योरम नंबर 3 आपके पास ये, टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम आउटसाइड अ पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, दिस वन। और इसका थ्योरम नंबर 4 का पार्ट ए एंड बी, ये थ्योरम नंबर 4 का पार्ट ए है जिसमें आउटसाइड द सर्कल है और पार्ट बी में इनसाइड द सर्कल है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप डायरेक्टली जंप करेंगे 12 चैप्टर पे, और 12 चैप्टर का जस्ट फर्स्ट थ्योरम की बात करूंगा मैं। तो ट्वेल्थ चैप्टर का जस्ट फर्स्ट थ्योरम, राइट, ये आपके पास 12 चैप्टर है, एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल 12, और इसका जस्ट फर्स्ट थ्योरम आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसमें सर्कम एंगल और सर्कम सेंट्रल एंगल का रिलेशन है कि सेंट्रल एंगल इज डबल द कॉरस्पॉन्डिंग सर्कम एंगल। सो ये कंप्लीट बुक ऑफ मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर है, जो कि आपने मंडे के पेपर से पहले एक दफा लाजमी रिव्यू करना है, ताकि आप लोगों का कोई मसला है तो वो पहले ही सॉल्व हो जाए।